यार भाई अगर इंडिया में टिकना है ना तो सिर्फ बेमतलब की बहस करना आना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों के बातों का कोई सिर पाव नहीं होता। और भाई खास करके दोस्तों के बीच में तो तुम्हें बिन फालतू की बहसबाजी करना आना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सामने वाले की बात काटना आना चाहिए। ग्रुप में ना मीठे बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने एक से एक हरामी होते हैं। अगर सामने वाला बंदा आप पे चढ़ रहा हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसे घूम के गिराने के अलावा। अगर आपने छोड़ दिया ना कि जाने दो यार कुछ नहीं होता, तो फिर बस ये हर बार का नाटक हो जाएगा। ये ना एक सबकॉन्शियस गेम की तरह होता है, जहां पे दूर दूर तक लॉजिक का कोई मतलब नहीं बनता, बस बिन बात के किसी का भी गेम लेना आना चाहिए। और जो रिसीविंग एंड पे होता है उसे उस गेम का काउंटर देना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ग्रुप में बैठे हो और सामने से कोई कमेंट करता है कि तू बहुत ही चूतिया बंदा है यार, तो आपका जवाब होना चाहिए तो तू क्या मशीन का है। भाई अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स हल्का हो गया ना तो सामने वाले बंदे को पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगली बार तुम्हारी और भी बुरी ली जाएगी। भाई दिन भर है ना ग्रुप में यही गेम चलता रहता है। अगर चुप हो गए ना तो भाई तुम बन जाओगे पंचिंग बैग। और अगर काउंटर दे दिया ना तो अगली बार तुम्हारा गेम लेने के पहले सोचा जाएगा। और इस गेम का कोई रूल नहीं है, माँ बाप से लेकर मोटापा, कलर, बाल माल कुछ भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। और अक्सर वही लोग पंचिंग बैग बनते हैं जो अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, या फिर जिन्हें दूसरों को तुरंत काउंटर देना नहीं आता। एक तो अटैक करो, नहीं तो डिफेंसिव अटैक करो, पर अटैक करना जरूरी है। अगर आप एक्सप्लेन करने बैठ गए ना कि नहीं यार वो क्या है ना, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो हो गया सत्यानाश। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात थी और क्या सच है क्या झूठ। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि तुम जवाब क्या देते हो। अगर भाई नरम दिल पेश आ गए ना तो भाई और भी खतरनाक मारी जाएगी, तुम्हारी पूरी सामूहिक ली जाएगी। ग्रुप के दूसरे लौंडे जो इस गेम में वीक है वो भी तुम पे अपना हाथ साफ करेंगे। भाई मैं तुम्हें इस गेम की एग्जैक्ट शुरुआत कैसे होती है बताता हूँ। सबसे पहले इस चीज का अंदाज लगाया जाता है कि सबसे हल्का लौंडा कौन है। भाई 2-3 बार टेस्ट किया जाता है कि कौन कितना पानी में है। सबकी आंख कान नाक सभी इंद्रियां व्यस्त होती है ये पता लगाने में कि भाई निगेटिव क्वालिटीज कौन सी है। पॉजिटिव क्वालिटीज की मांगो। बंदा मोटा है, चेक। अच्छा बात बात पे फटे मारता है, चेक। प्रेशर में हाथ देता है, चेक। अच्छा औकात के बाहर सोचता है, चेक। भाई चेकलिस्ट पूरी करने के बाद सबसे पहले गांड मारी जाती है नाम की। प्रथमेश को रातों रात गेंडिया, लिंबू, कुदल फावड़िया, मजदूर या फिर मेकुड़ बनाया जाता है। और जिसने भी ये नाम सोचा है वो पहले ग्रुप में उस बंदे के पीठ पीछे कंफर्मेशन लेता है। अगर भाई दूसरे लौंडे हंसे तो भाई हो गया नामकरण। फिर भाई धीरे धीरे शिकार के ऊपर सभी लोग एक साथ झपट्टा मारते हैं। सबको एक साथ चिढ़ाते हुए देख बंदा चुप हो जाता है। आखिर किस किस की बात का जवाब दूं? बंदा उस नाम के वजन के नीचे दब जाता है। फर्स्ट चेक पॉइंट क्लियर, बंदे का कॉन्फिडेंस ड्रॉप बाय 20%। फिर अगला चेक पॉइंट होता है तो चुप रहे बे। ग्रुप में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है, जैसे शाहरुख खान और सलमान खान का झगड़ा क्यों हुआ, दारू पीने में किसका कोटा सबसे ज्यादा है, तब हमारे बंदे को चुप कर दिया जाता है ये बोल के कि तू रहन दे बे, तू क्या बता रहा, 2 पैक में तो हक देता है, चुपे। यहाँ पे तुरंत काउंटर आना चाहिए, ऐसा काउंटर जो सामने वाले बंदे को चुप कर दे, जैसे बराबर है ना, तेरे को तो फुकट की ज्यादा पचती है, उल्टी आ रही होगी तो भी गिटक लेगा, न जाने अगली बार कब फुकट की पीने मिलेगी। पर ताव ताव में हम हमेशा अक्सर शर्त लगा बैठते हैं। दिखाओ मैं तेरे को, लग गई शर्त, हाँ चल लग गई। सब मनी मन में हंस रहे होते हैं कि भाई आज तो इसका चूतिया कटने वाला है। फिर बंदे को समझ आता है कि भाई ये तो पूरी सेटिंग थी, मेरी फील्डिंग लगी थी। सेकेंड चेक पॉइंट क्लियर, बंदे का कॉन्फिडेंस ड्रॉप बाय 20%। ये लिया गया गेम पूरे क्लास में फैलाया जाता है। बंदे का नया नया किया गया नामकरण पूरे क्लास में फैलाया जाता है। कॉन्फिडेंस ड्रॉप बाय 200%। 2-3 बार तो बंदा खुद के लिए खड्डा खोदता है।
अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में। पर वो ये भूल जाता है कि अब टाइम निकल गया है, अब उसकी हर बात पे क्रॉस कटिंग की जाएगी, अब इसकी कोई भी अचीवमेंट्स मायने नहीं रखती, अब बस सबका एक ही एम है कि इसका गेम लिया जाए। सही बात को भी सलीके से झूठा करार कर दिया जाता है। बंदे का कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि अगली बार ग्रुप में मुंह खोलने के पहले बंदे को 10 बार सोचना पड़ता है। और फिर लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में कई बेहतरीन आइडियाज का गला घोट दिया जाता है। उसके बाद ये मजबूरी फितरत बन जाती है, कुछ भी बोलूंगा तो मेरी ही उड़ने वाली है, इस डर से बंदा कभी मुंह ही नहीं खोलता। अपने आप से कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि अगर कहीं चांस मिल भी जाए तो भी अपना पॉइंट रखने से फटती है। फिर लग जाती है आदत हर बात में हाँ में हाँ मिलाने की। भाई ये दुनिया का सबसे खतरनाक गेम है जिसे बहुत ही मासूम सा नाम दिया है, मजाक, जिसे खेलने का एक ही मकसद है कि सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस खत्म किया जाए। अगर कॉन्फिडेंस खत्म तो बंदा खुद ही अपने विचारों का गला घोट देगा, फिर कॉम्पिटिशन ही खत्म। भाई इस दुनिया का बस एक ही काम है कि कदम कदम पे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाई जाए। जहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जवाब दे गया वहां पे तुम्हारी हार पक्की है। और कॉन्फिडेंस कम होता है गलतियों के डर से, क्योंकि अक्सर गलतियों का ही मजाक बनाया जाता है। भाई पता है इस दुनिया की सबसे अमीर जगह कौन सी है? वो अमेरिका या जापान नहीं है, वो कब्रिस्तान है, जहां न जाने कितने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, न जाने कितने गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स दफनाए गए हैं जो इस पूरे दुनिया का नक्शा बदल सकते थे, सिर्फ इस चक्कर में कि कहीं मजाक ना बन जाए। न जाने कितनों का प्यार दफन है वहां पे, जो आने वाली पीढ़ी को इस दुनिया के सो कॉल्ड जीने के तरीके से बचा सकती थी। भाई बुरा मत मानना, पर ये दुनिया सिर्फ रंग बिरंगी तितलियों और फूलों से भरी नहीं है, ये बहुत ही बेरहम और गिरी हुई जगह है जहाँ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम में क्या बात है। ये दुनिया सिर्फ हर बार अपनी सोच तुम पे ठोकने की कोशिश करेगी और जैसे तैसे तुम्हें अपने घुटनों के बल गिरने पे मजबूर करेगी, और जिंदगी भर वही रखेगी अगर तुमने इसे रखने दिया तो। भाई तू, मैं या कोई भी हो, उसे इतना बुरा कोई भी नहीं मारने वाला जितना ये दुनिया मारेगी। पर भाई ये जरूरी नहीं कि तुम कैसे मारो, ये जरूरी है कि तुम कितना खा सको और फिर भी गिर के उठ सको और दिखा दो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं। तो बस आड़ दो। और दर्द का क्या है भाई, होगा तो 1 मिनट होगा, 1 दिन होगा या फिर 1 साल, पर ये दर्द कभी ना कभी जाएगा जरूर, और वो कोई एक दूसरी चीज है जो इस दर्द की जगह लेगी। पर अगर हार मान ली ना तो ये दर्द जिंदगी भर होगा। 300 साल की गुलामी हमारे देश ने सही है यार, हम खुश नसीब है कि हमारे क्रांतिकारियों ने ये बोल के अपने हाथ ऊपर नहीं कर दिए कि जान दो यार, कौन इतने झंझट पालेगा, कौन इतना खून बहाएगा। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम इस गुलामी के खिलाफ लड़ेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानियां चाहिए हम देंगे, ताकि हमारे बच्चे आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। और हम इस बात से डर जाते हैं कि ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो कभी नहीं रुकने वाले, उनका काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। तुम करते रहो, बिना रुके चलते रहो, वो बोलते रहेंगे, एक दिन तुम अपना काम करके हाथ झटक के कॉलर ऊपर करके निकल लोगे, और भाई उस दिन होगी बोलती बंद। भाई आग जैसे मत बनो, आग कभी भी बुझ सकती है, बनो तो पानी जैसे, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं, कभी ना कभी तो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और भाई जहां तक रही बात मजाक की, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सबूत है कि तुम में कुछ बात है, इसलिए ये दुनिया तुम पे अपना समय खर्च कर रही है। पर भाई तुम खुद का समय सिर्फ अपने आप पे खर्च करो, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं। कई एक और बेहतरीन सोच जमीन में ना दफन हो जाए। माफ करना भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो, क्योंकि आजकल हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, पर कुछ चीजें बोलना बहुत जरूरी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक ही गुजारिश है, वही हमेशा की तरह, कमेंट लाइक शेयर करते जाइए। अगली बार मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।